कोमात्सु एक्सकवेटर PC210 LC-10M0 के मॉनिटर के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। मॉनिटर में देखिए F1 से लेकर F6 तक बटन है, फिर नीचे जो है बहुत सारे ऑप्शंस के बटन है। तो जैसे ही आप की स्विच ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा, कोमात्सु लिखा आएगा, उसके बाद ये स्क्रीन दिखाएगा। तो इसमें देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक के बारे में हम एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड में। ये जो आप देख रहे हैं अपना गेज जैसा बना है, इसको हम बोलते हैं इको गेज, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्या है ना, मशीन में सेफ्टी फंक्शन होते हैं, तो वो अगर वो हम आपको सेपरेट बताएंगे। तो अगर उसमें मशीन काम कर रही है तो वो हरे कलर में रहेगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो है इंजन कूलेंट टेम्परेचर गेज है, ठीक है। तो ये हमेशा हरे कलर में रहना चाहिए। फिर आगे है हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर गेज, ठीक है जी। फिर ये है हमारा फ्यूल गेज लास्ट में, ठीक है, ओके। फिर ऊपर है ऑटो डीएक्सलरेशन, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्यूल इकोनॉमी के लिए, फ्यूल एफिशिएंसी कम करने के लिए। फिर ये मोड है कि मशीन कौन से मोड में है। और आगे है ट्रैवल का स्पीड कौन सा है, ठीक है। इस साइड में देखिए यहाँ पे मशीन का रनिंग आवर्स बताएगा, मशीन कितना चल चुका है, ठीक है। और ये जो है करंट फ्यूल का जो है वो अपना एवरेज बताएगा। नीचे F1 से लेकर F6 तक सब बटन्स हैं। इसके अंदर जाके भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। फिर ये है ऑटो डीएक्सलरेशन बटन। देखिए जैसे ही आप बटन को दबाएंगे तो वहाँ पे आपका ऑटो डीएक्सलरेशन का सिंबल आ जाएगा। ऑटो डीएक्सलरेशन का मीनिंग क्या होता है ना, कि जैसे आपने मशीन के लीवर्स को छोड़ दिया, आपने काम करना छोड़ दिया, तो इंजन का स्पीड जो है 8 सेकंड के बाद अपने आप नीचे आ जाता है। तो इसी फंक्शन को हम बोलते हैं ऑटो डीएक्सलरेशन। इससे क्या है ना, फ्यूल की जो एफिशिएंसी है अच्छी आती है। तो हमेशा मशीन को इसी मोड में आपको चलाना है, ऑटो डीएक्सलरेशन ऑन करके ही आपको मशीन को चलाना है, ठीक है जी। ये बटन है ऑटो डीएक्सलरेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आगे मेरा जो बटन है 2 नंबर वाला, ये है मोड, मतलब मशीन कौन से मोड में चलाना है अपने को। तो इस मशीन में बहुत सारे मोड है, पावर मोड, इकोनॉमी मोड, लिफ्टिंग मोड, ब्रेकर मोड, तो ये मोड का बटन है। तीसरा है स्पीड का, ट्रैवल की स्पीड। इसमें 3 स्पीड है, लो, मीडियम, हाई। चौथा है बजर कैंसल। पांचवा और छवां है वाइपर्स का, ठीक है। तो वाइपर और वॉशर का, मतलब वाइपर चलाने के लिए आप 5 और 6 नंबर बटन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर नीचे के जो बटन है जो नीले कलर में दिख रहे हैं, ये सब हैं एसी के बटन। ऑटो में रखेंगे तो एसी जो है अपना ऑटो मोड में चलेगा। इस मशीन में सेंसर लगे हैं, वो अपने हिसाब से ये करेगा। नीचे ऑफ बटन है। ये आप बटन जो देख रहे हैं ये दोनों, ये फ़ैन के स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, और ये जो है टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए। नीचे का ये बटन जो है, तो ये तो दो बटन जो है ना, इनका काम होता है कि आपको कौन सी साइड से हवा चाहिए एसी का, आप चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है कि आपको फ्रेश हवा चाहिए कि या अंदर की हवा अंदर से ही आपको ठंडी होकर मिलती रहे, उसकी ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये था मॉनिटर मशीन का। कोमात्सु मॉनिटर की कहानी जो है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होती। कोमात्सु मॉनिटर बहुत ही स्पेशल है, जैसा कि आप लोगों ने बाकी मशीनों में देखा होगा, वोल्वो में, कैटरपिलर में, या और भी बहुत सारी मशीनें हैं, उन सब में आपको मशीन का डाटा निकालने के लिए, मशीन में कुछ प्रॉब्लम है ट्रबल शूटिंग करने के लिए आपको लैपटॉप लगता है। लेकिन कोमात्सु की मशीन में लैपटॉप नहीं लगता, इसका जो मॉनिटर है ना वही लैपटॉप का काम करता है। तो इसमें आप मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है, वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, क्या मशीन में कोड आ रहा है, उसका क्या कारण है, और मशीन का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, कौन सा इंजेक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब जो है ना तमाम चीज़ें जो है आप जो मशीन के मॉनिटर में ही देख सकते हैं। उसके अलावा ऑपरेटर के लिए बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं। आपको मेंटेनेंस का भी पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कौन सा मेंटेनेंस पेंडिंग है, कौन सा ऑयल का रिप्लेसमेंट पेंडिंग है, कौन सा फ़िल्टर चेंज करना भी बाकी है, और कौन सा मोड में मशीन को चलाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको मशीन के मॉनिटर में ही मिल जाएंगी। तो आने वाली वीडियोस में हम आपको कोमात्सु मशीन के मॉनिटर के बाकी फ़ीचर्स के बारे में बताएंगे। तो
तब तक के लिए थैंक यू।